हम वचन देखेंगे कि धन्यवाद कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद देना और प्रभु को धन्यवाद चढ़ाना। चाहिए हम लोग आज धन्यवाद के बारे में कुछ बातें विचार करेंगे। भजन संहिता 50:50, भजन संहिता 50:14 आए। परमेश्वर को धन्यवाद ही का वचन चढ़ा हाँ और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नत पूरी कर। हाँ, ये पहला लाइन में जो लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान, ये ही सब जब उसमें जोड़ दिया है, मतलब परमेश्वर को कुछ चाहिए नहीं, उसको धन्यवाद ही का बलिदान, बस इसी में परमेश्वर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान, उसके वो जो कुछ हमारे लिए करते हैं उसको सिर्फ धन्यवाद देना। और उसी में एक वचन और पढ़िए, भजन संहिता 50:23 पर। धन्यवाद के लिए बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया और उद्धार बताऊंगा। हम दूसरा लाइन छोड़ते हैं, उसी 23 में पहला लाइन को पकड़ते हैं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। ये कभी हम लोग सोचते हैं कि वचन में ऐसा बहुत जगह में लिखा हुआ है कि तुम प्रभु के लिए बहुत फल लाओ तो वो प्रभु का महिमा होगा। हाँ, ये सब बात सही है, लेकिन इधर भी ये बात भी लिखा हुआ है कि धन्यवाद चढ़ाने वाला बलिदान वो प्रभु का महिमा, वो प्रभु को हम किस प्रकार से महिमा कर सकते हैं, उसको धन्यवाद का बलि चढ़ा। तो ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी, जो कुछ प्रभु हमारे लिए करते हैं उसको धन्यवाद चढ़ा। अभी धन्यवाद के संदर्भ में कुछ बातें हम और भी देखेंगे। पहला थिस्सलुनीके पत्री 5वीं अध्याय उसकी 18, पहला थिस्सलुनीके 5वीं अध्याय उसकी 18। हाँ, देखिए कि लिखा कि जो हर बात में धन्यवाद, कोई भी बात हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु करते हैं हर बातों में उसको धन्यवाद, और वो किसका इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद चढ़ाएं। थिस्सलुनीके पत्र में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा और भी क्या क्या है, वो सब बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा यह कि हर बातों में उसको धन्यवाद चढ़ाएं। इधर में 3 बातें हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद चढ़ाओ, और ये जो बातें सदा आनंदित रहो, ये 3 बातों में एक बात जो हमें हम लोग ध्यान करने वाली बात है, हर बातों में धन्यवाद चढ़ा, कोई भी बात को भूलना चाहे, है ना। कभी कभी हम लोग हर बातों में धन्यवाद चढ़ाना ये हमसे नहीं होता, क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ खाना मिलेगा तो अच्छा धन्यवाद चढ़ाएंगे, एक गिलास पानी मिलेगा तो हम धन्यवाद नहीं चढ़ाएंगे, उसमें तो क्या है ढंडक के पी जाते हैं ना। कभी पानी मिला तो धन्यवाद नहीं चढ़ाते हैं, चाय मिला तो धन्यवाद चढ़ाते हैं, और खाना मिला तो धन्यवाद चढ़ाएंगे, लेकिन एक गिलास पानी भी अगर मिल जाए धन्यवाद चढ़ाते हैं, कभी हम ऐसा नहीं करते ना। कुछ ऐसी सी बातों को हम भूल जाते हैं, प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया है हर बातों में हर जगह में हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद चढ़ा। और ये हम विश्वासी का ये बड़ी एक गुण है, जो ये बड़ी एक विशेषता है, जो हम हर बातों में प्रभु को धन्यवाद चढ़ा, और ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का यही इच्छा है कि हम ऐसा करें। और आगे हम पढ़ेंगे जो इफिसियों का पत्री 5:20, इफिसियों का पत्री 5:20 पर। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर रहा हूं। हाँ, वो देखो फिर वो धन्यवाद का, सदा सब बातों में, दलिका की हर बातों में धन्यवाद करो, और सदा सब बातों में क्या करो, धन्यवाद करते रहो, मतलब करते रहो मतलब ये कंटिन्यूली, मतलब करते रहो, कभी भी रुकना नहीं। हमारे जीवन में शायद कोई परिस्थिति आ सकता है, शायद आज हमारे सिमन भाई को प्रभु ने एक सुंदर एक लड़का दिया है, बेटा दिया है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये नहीं कि हम विश्वासी के जीवन में सर्वदा धन्यवाद देना चाहिए, हर बातों में धन्यवाद देना चाहिए, और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रभु का भक्त दास एक जगह प्रचार करने के लिए जा रहे, तो प्रचार करने के संडे का दिन में था, वो आराधना भी करेंगे उधर, उसको संदेश बांटना, तो वो संदेश बांटने के लिए उधर जा रहे थे, तो उसने प्रार्थना किया, प्रभु हमको 2 घंटा बस में सफर करना है, तो हमको एक सीट प्रभु हमको मिल जाए, बस में एक सीट बैठने के लिए मिल जाए, प्रभु मैं प्रार्थना, बस स्टैंड में खड़े होकर वो मन मन में प्रार्थना कर रहे प्रभु का दास, और उसने क्या कर दिया, उसने उसको बस आई और उसको सीट, जब बस में चढ़ा तो देखता है कि एक सीट खा दिया, ओ धन्यवाद प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, मन मन में बहुत धन्यवाद दिया, और जाके वो सीट में बैठ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप जब आया, दूसरा जगह में जब आगे जाकर जब बस खड़ी हो गई, तब एक महिला, एक स्त्री वो बस में वो भी चढ़, और वो थोड़ा मोटी सी, मोटी थी,
तो वो देखता है कहाँ अगल बगल में सीट कहाँ खाली है, तो देखता है कि ये ब्रदर बैठा वो डबल सीट है लेकिन छोटा सीट है, बस में ऐसा होता है ना डबल सीट होने से भी छोटा होता है, एक जन बैठेगा तो पूरा ही ले लेता है। तो ये बैठा तो इसने ये महिला ने गया स्टिल्स भी प्लीज हमको बैठने के लिए दीजिए, देखिए इसको देख कर ये तो प्रभु का दास बोले बाप इतना मोटी है आप बैठेगा तो हम तो चटनी बन जाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया वो फिर उसको बैठने के लिए दे दिया, बैठने के लिए दे दिया तो सही, लेकिन वो प्रभु का भक्त दास का मन में क्या है मालूम है, वो दास के मन में आप धन्यवाद दो तो आप धन्यवाद दो, उस समय तो बड़ा धन्यवाद दिया, सीट मिल गया वाह हालेलुया धन्यवाद, लेकिन अब तुम धन्यवाद दो अभी अभी दे सकते हैं, परिस्थिति थोड़ा बिगड़ गया, जब हम तकलीफ में पहुंच गया जब हम कष्ट में पहुंच गया तब उस समय क्या किया हमारा धन्यवाद के बोली बंद है ना। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम हर बातों में सदा धन्यवाद देना चाहिए, कोई भी हम मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि विश्वासी के जीवन में कोई भी बात कोई बुरा नहीं होता, अगर वो सच में असली विश्वासी है, वो प्रभु का चुना हुआ विश्वासी है, प्रभु का योजना उसके लिए सब सब बातों में चाहे कष्ट हो चाहे दुख हो कोई भी परिस्थिति में हो वो सब बातों में धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि प्रभु उनके लिए जो जो कुछ भी करता है वो सब भलाई। तो ये बात हम लोग बहुत मुश्किल से ले नहीं पाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था, सब ओके होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ आ गया थोड़ा सा कष्ट आ गया तो धन्यवाद क्या हो जाता है बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं, हम धन्यवाद देना चाहिए हर बातों में, और सिर्फ धन्यवाद देकर स्टॉप नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूली धन्यवाद सदा धन्यवाद देना चाहिए, हमारा मसीह जीवन शुरू से अंत तक धन्यवाद का ही जीवन होना चाहिए। लेकिन कहां दे पाते हैं, कभी कभी प्रभु को कोसते हैं, कभी कभी प्रभु को आरोप लगाते हैं, प्रभु ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, मुझे ऐसा क्यों नहीं किया है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं यार मित्र, जो प्रभु ने हमारे लिए करता है, जो भलाई करता है, जो आशीर्वाद देता है और जो परिस्थिति है सब बातों में हम धन्यवाद देना सीखते हैं, धन्यवाद देना। और अब हम आगे पढ़ेंगे कुलुसियों के पत्र 3:17, कुलुसियों के पत्र 3:17 पर वचन में या काम में जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। ओह क्या सुंदर बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वचन में या काम में जो कुछ बड़े जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह को उसका नाम को स्मरण करते हुए पिता परमेश्वर का क्या करो जो कुछ भी करो। हमारे जीवन में अगर जहां पर हम ऐसा काम करते हैं जहां पर यीशु का नाम नहीं ले सकते हैं वो काम नहीं करना, जहां पर हम प्रभु का नाम नहीं ले सकते हैं वो काम नहीं करना। कभी कभी कुछ लोग हमारे पास आते हैं ब्रदर आप तो बोलते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग करना अच्छा नहीं, ये तो एक पाप है और ये है, तो वचन में कहां लिखा है स्मोकिंग नहीं करना, तो कुछ लोग बोलते ब्रदर ऐसा कहाँ लिखा है कि खैनी नहीं खाना, वचन में कहाँ लिखा हुआ है, तो हम बोलते हैं ठीक है तुम थोड़ा सा वचन में तो सब नहीं लिखा होगा, वचन में तो अगर लिखता तो बहुत बड़ा किताब होता भाई, तो मैं बोलता हूँ कि तुम यीशु का नाम से थोड़ा स्मरण करो, यीशु का नाम से धन्यवाद कर सकता है तो नहीं ये तो कर नहीं सकता, जो यीशु का नाम से नहीं कर सकता है वो पाप है, जो यीशु का नाम से अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसका वचन में या काम में कुछ नहीं कर सकते वो हमारे लिए पाप है, तो सही बात है ना। मैं ये बातें बताना चाहता हूँ हम लोग जो कुछ भी करें वचन से काम से उस प्रभु यीशु मसीह को स्मरण कर। एक बार एक डॉक्टर ने वो क्या करते थे वो ऑपरेशन थिएटर में जब जाते थे तो वो पहले एक रूम में जाके प्रार्थना करके फिर ऑपरेशन थिएटर, और जब ऑपरेशन करने के लिए जाते थे तो एक बार वो जो हॉस्पिटल का जो सुपरिंटेंडेंट है उसने देख रहा है कि थोड़ा सा लेट हो रहा है, मतलब ऑपरेशन पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में घुसा दिया हुआ है और डॉक्टर कहाँ है, तो बोलते वो डॉक्टर कहाँ गया, बोलते नहीं वो रूम में, एक व्यक्ति ने बोला वो रूम में है, तो वो देखता है तो डॉक्टर को गाली दे दिया, इसने बोला आपने टाइम पर क्यों नहीं अब ऑपरेशन में ऑपरेशन करने के लिए घुसे नहीं, बोलते नहीं नहीं मैं थोड़ा प्रेयर कर रहे थे इसके बाद मैं ऐसा ही करता हूँ हर ऑपरेशन जब करता हूँ तो मैं प्रार्थना के साथ, तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा चलेगा नहीं, इधर सब टाइम टू टाइम करना पड़ेगा एकदम पंचुअल इधर सब, ऐसा नहीं ऐसा बोल दिया उनको थोड़ा डांट दिया, ये डॉक्टर को बहुत दुख आया, ये डॉक्टर ने क्या कर दिया उधर वो अपना क्वार्टर में जो रहते थे वो क्वार्टर से उसमें मोरिया बिस्तर लेकर सब कुछ लेकर, तो किसी ने बोला देखिए वो डॉक्टर चले जा रहे हैं ये काम छोड़ के, तो उसने वो सुपरिंटेंडेंट उसके पास गया और बोला कि क्यों आप छोड़ के जा रहे हैं ऐसा क्यों, उसने बोला जहां पर यीशु का नाम नहीं ले सकते वो काम मुझे वो डॉक्टर का काम नहीं चाहिए, जहां पर प्रभु का नाम लेकर अगर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकते कोई काम नहीं कर सकते वैसा नौकरी हमको नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। प्यार मित्र ये बात को हम बहुत सीखना बात है सीखने वाली बात है कि जहां पर हम प्रभु का नाम लेकर धन्यवाद नहीं दे सकते प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कुछ काम नहीं कर सकते हैं वो काम नहीं करना चाहे है ना,
कभी कभी हमको अच्छा नौकरी मिलेगा, कभी कभी हम लोग को अच्छा ये मिल जाएगा नहीं जाने का, लेकिन जहां पर यीशु का नाम नहीं चलता वो हमको नहीं चाहिए। यीशु का नाम हमारा जीवन में, यीशु का नाम, उसी का नाम से हम हर बात करना चाहिए, उसी का नाम से हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद भी देना चाहिए। और आगे हम बढ़ जाएंगे और कुलुसी का पत्री उसी में 2:7 में क्या लिखा, 2:7 और बैठते जाओ और जैसे तुम सिखाया गाय वैसे ही दृढ़ होते जाओ। हाँ। और अंधे अंध धन्यवाद करते रहो। हाँ, अत्यंत धन्यवाद करते रहो, एक बड़ा भयंकर शब्द है ना, अत्यंत है ना, बहुत अत्यंत मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक है ना, अधिक से अधिक करते रहो। देखिए धन्यवाद, विश्वासी का जीवन धन्यवाद से जुड़ा हुआ है। विश्वासी का जीवन में देखिए कितने पद को हम देख लिए, इतने सारे पदों को देखा कि अत्यंत धन्यवाद चढ़ाओ, अधिक से अधिक धन्यवाद चढ़ाओ। ये हमारे विश्वासी जीवन का नमूना है। ये विश्वासी जीवन जो प्रभु को जो प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर का प्रेम करते हैं, वो हर बातों में अत्यंत धन्यवाद है। वो अत्यंत मतलब बंगला में लिखा है, वो क्या करते मतलब ओवरफ्लो होता है, मतलब वो एकदम ओवरफ्लो होकर चला जाता है। इतना इतना धन्यवाद है, धन्यवाद का कर्ता इतना भर गया है कि उभर रहा है। क्या हो रहा है? उभर रहा है। हमारा धन्यवाद का कटोरा ऐसा होना चाहिए प्रभु के लिए, हमारा धन्यवाद का कटोरा उभरना होना चाहिए। और सच में ऐसा धन्यवाद का जीवन, धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें जो प्रभु आशीर्वाद दिया है उस बातों को स्मरण करते हैं, केवल धन्यवाद 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 ही चढ़ाना और अत्यंत धन्यवाद चढ़ाना। अभी कुछ बातें मैं इसे उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँ। अभी वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ने का जरूरत नहीं, सुसमाचार में 9वीं अध्याय में लिखा हुआ है, एक अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा है ना, और चेले लोग क्या बोला, प्रभु गुरु ये इसका माता पिता ने पाप किया था ना, इसने पाप किया था जो अंधा जन्म लिया। तब किसने बोला, प्रभु इसने क्या बोला, ना इनका माता पिता ने पाप किया था ना इसने पाप किया, लेकिन ये अंधा इसने जन्म लिया था कि इसके द्वारा क्या हो परमेश्वर की महिमा। कभी सोचा, मैं सोचता हूँ कि मैं, वो तो वचन में ऐसा लिखा नहीं, मैं कभी कल्पना करता हूँ कि उनका माँ बाप जब अंधा जन्म दिया उसको, अंधा लड़का जन्म हुआ, उसका माँ बाप शायद कितना दुखी हो गया, अरे मैं क्या पाप किया था, वो मम्मी डैडी वो सोचता था कि हम लोग क्या पाप किया कि मेरा बेटा अंधा जन्म लिया। वो कभी सोचा नहीं, सीधा तो परमेश्वर को भी शायद आरोप लगाया होगा, परमेश्वर को भी कोसता होगा, बुड़बुड़ाया होगा, कुड़कुड़ाया होगा कि परमेश्वर हम लोग क्या पाप किया कि हमारा बेटा अंधा जन्म लिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शायद उन लोग कितना साल से ऐसा ही दुखी दुखी में जिंदगी बिताया, लेकिन जब वो अंधा व्यक्ति को प्रभु ने जब आंख दिया तब उन लोगों को पता चल गया कि ये परमेश्वर का क्या था योजना। तब उसका प्रभु के ऊपर जो आरोप लगाना, मैं सोचता हूँ कि प्रभु के ऊपर दोष लगाना शायद वो धन्यवाद का कारण बन गया होगा, ओ प्रभु अंधा जन्म ले इसमें अच्छा हुआ, इसके द्वारा प्रभु का कार्य प्रकट हुआ। ओ प्रभु हम लोग तो नहीं सोचते थे, हम लोग सोचते थे कि प्रभु आपने ऐसा क्यों अंधा लड़का दिया हमको, ऐसा क्यों दिया, हम लोग क्या पाप किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि प्रभु इसने मुझे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया माता पिता भी पाप नहीं किया और ये इसने भी पाप नहीं किया, तो फिर क्यों ऐसा जन्म हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, हम विश्वासी लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम अच्छा जिंदगी बिताते हैं, हम पवित्र जिंदगी बिताते हैं, हम तो हर संगति में जाते हैं हर जगह में, मेरे जीवन में ऐसा क्यों। कभी कभी हम प्रभु को कोसते हैं, बोलते नहीं है लेकिन मन मन में क्या करते, कुड़कुड़ाते हैं, कभी कभी प्रभु प्रभु आपके लिए मैं कितना काम किया, आपके लिए मैं कितना संगति किया, आपके लिए मैं क्या क्या किया, लेकिन आपने मुझे ऐसा दिया, ऐसा सिलसिला दिया, ऐसा मुझे सिखाया, ऐसा किया, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि ये प्रभु का क्या योजना है, इसके द्वारा प्रभु क्या करवाना चाहता है, प्रभु का महिमा इसके द्वारा क्या होगा, हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। मैं अपने बारे में बोलना चाहता हूँ, एक बार ऐसा हुआ मेरा गला में जो है पूरा ये चमड़ा उठना शुरू कर और ये पूरा एलर्जी जैक हो गया, इतना भयंकर हो गया कि लाल हो गया ना पूरा गला। मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया दिखाया, वो डॉक्टर देखे एकदम भाई कैसा हो गया आपको, ये तो बहुत डेंजर है, वो देखकर हम बोल हाँ ये तो बहुत है। तो अब स्किन डॉक्टर को दिखाई ना, हमारा स्किन डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, आप जो दवाई देना दे दीजिए, तो ऐसे बोल दिया तो ठीक है मैं दे देता हूँ। लेकिन मेरा गला में एक छोटा काला काला तिल होता, तिल वो सब था, तो मैं एक होम्यो डॉक्टर के पास जाना गया, बोला कि देखिए मैं ये मेरा गला में ये काला काला तिल जैसा है, इसको कैसे निकालूंगा। होम्यो डॉक्टर के पास गए, वो बोलता है नहीं नहीं आप मत, ये बढ़ जाएगा आपका। हम देख वो कैसा डॉक्टर है, वो हमको बोल उल्टा बोल रहा है कि आप होम्यो इस्तेमाल करेंगे, होम्यो लेंगे तो आपका और भी बढ़ जाएगा। वो डॉक्टर तो मेडिसिन तो दिया नहीं, वो बोलता है और भी बढ़ जाएगा, तो हम बोला निराश होकर हम फिर चलाया। फिर उसके बाद ये चमड़ा में जल गया, और उसके बाद क्या हुआ मालूम है, वो डॉक्टर ने मुझे एक क्रीम लिखकर दे दिया,
वो मैं लगाया और धन्यवाद करता हूँ कि आज एक दिन सा। लेकिन उस समय मैं थोड़ा मन में सोच, प्रभु इतना जलन हो रहा, क्यों आप ऐसा मुझे दे दिया, है ना। कभी कभी हम लोग अपना जीवन का तकलीफ को देखते हैं, प्रभु को बोलते हैं, प्रभु कितना, है ना। लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे लिए अच्छा हुआ, सब निकल गया, ना होम्योपैथी मेडिसिन को लेना पड़ा, ना कुछ भी लेना पड़ा, प्रभु क्लियर करे। मैं ये छोटी सी एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे बातें हैं यार मित्र। कभी कभी जिंदगी में हमारा जीवन में कुछ परेशानी आ जाता है, कुछ तकलीफ आ जाता है, कुछ कष्ट आ जाते हैं, कुछ बीमार आ जाते हैं, उस समय हम धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। उस समय प्रभु को हम कोसते हैं, उस समय प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे लिए ऐसा क्यों हो गया। नहीं प्यार मित्र, हर समय हम धन्यवाद देना हमारे लिए। चलो मैं एक वचन और पढ़ूंगा ब्रदर, इतना धन्यवाद के बारे में बता रहा हूँ मैं, धन्यवाद के बारे में आज धन्यवाद का ही विषय है, इसलिए संदेश है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और एक वचन पढ़े, भजन संहिता 9:1, भजन संहिता 9:1। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ। मैं तेरे सब अच्छे कर्मों का स्मरण करूंगा। देखिए ये एक शब्द है ना, पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करता हूँ। कैसे मन से? संपूर्ण मन से। कभी कभी ऐसा होता ना, धन्यवाद का हमारा सिमन भाई तो वो पूरा संपूर्ण मन से धन्यवाद दे रहा है सब, लेकिन कुछ कुछ विश्वासी लोगों को मैं देखा है कि उनको क्या करेगा, धन्यवाद रखना पड़ता है, क्योंकि धन्यवाद नहीं रखे तो क्या होगा, मतलब उसको संपूर्ण खुशी नहीं है, मतलब संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्या करता है कि धन्यवाद का कार्य इनको होना चाहिए, लेकिन दिल से, सच्चा दिल से नहीं है, है ना। कभी कभी अधूरा मन से क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। नहीं प्यारे मित्र, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, किंतु परंतु मत रखिए जीवन में कि ऐसा देना चाहिए, वो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मजबूर होकर देना धन्यवाद नहीं है, हमको संपूर्ण मन से धन्यवाद देना चाहिए। आजकल का दो फैशन, दो शब्द में फैशन हो गया, सॉरी और थैंक्स, है ना। सॉरी वो बातों बातों में, सॉरी बातों बातों में, थैंक्स थैंक्स का कोई कदर नहीं रखा, है ना, धन्यवाद का कोई कदर नहीं है, मूल्य नहीं है ना। बोल दिया तो धन्यवाद बोलने से क्या है, खर्चा तो कुछ नहीं है ना, है ना, टैक्स तो लगता नहीं, इनका कुछ पैसा नहीं लगता है, चलो थैंक्स सॉरी बोल दिया, ये तो फैशन का टाइम हो गया ना। मतलब ये क्या है, हमारा जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए, धन्यवाद बहुत सीरियस होना चाहिए, बहुत गंभीर होना चाहिए, पूर्ण मन से धन्यवाद देना चाहिए, पूर्ण मन से। घर में तो ये होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक भाई उसका मतलब उसको मन में क्या इच्छा था, वो एक लड़की, मतलब उनका लड़की जन्म हो, एक मतलब लड़की नहीं लड़का जन्म हो, तीन लड़की उनका है, दो लड़की है, तो वो सोचा कि मेरा एक लड़का होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो वो मन में सोचा था, लेकिन हम लोग को नहीं बोला, हम लोग बोलता था ब्रदर हाँ प्रार्थना कीजिए ताकि इस तरह का अच्छा डिलीवरी हो जाए नॉर्मल, तो हम बोला ठीक है ब्रदर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे भी मन में एक इच्छा था, इनको दो लड़की एक लड़का होने से अच्छा हो जाता हो, ऐसा भी मैं प्रार्थना किया और सच में प्रार्थना किया, और आखिर में जब उसका डिलीवरी हो तो वो भाई ने हमको बोला ब्रदर नॉर्मल डिलीवरी हो गया, सबको अच्छा, मतलब क्या हुआ क्या हुआ, मैं सुनना चाहता था कि लड़का होना, बोला लड़की हुआ लड़की हुआ लड़की हो, उसको भी इच्छा था कि लड़का होना चाहिए, लेकिन उसको क्या हो गया, लड़की हो गया। तो ब्रदर हम भी एकदम चके, हम भी चुप हो गया, क्योंकि मेरा भी इच्छा था कि उसको एक लड़का मिल जाए, और वो उसका भी पिताजी को भी इच्छा था कि एक लड़का मिल जाए। तो मैं बोला ब्रदर अरे अच्छा लोगों को लड़के ही होता जाता है, हम क्या थोड़ी देर, और सच में ऐसा है नहीं है, तो लड़के मिला आपका अच्छा है ब्रदर। तो उसने बोला हाँ ब्रदर अच्छा तो है, अरे एक धन्यवाद का सेवा रखे, लेकिन मन से नहीं है, उसको मन में क्या था, लड़का होना चाहिए था, लड़का होने से उसका धन्यवाद और भी उभरता था, पूरा मन से धन्यवाद देता था, लेकिन अभी क्या हो गया, लड़की हो गया, लेकिन फिर भी तो धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा, वो इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं था ना। हम भी बोला प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु को बोला बेटा तुमको ये समझ में नहीं, मैं जो देता हूँ उसी में तुम आती, हमें लो जो देता हूँ वो अच्छा है, आज अच्छा नहीं लगता है कल वो अच्छा होगा, है ना। क्या मानू इस लड़की के द्वारा प्रभु का मैं, क्या मानू परमेश्वर ने इस लड़की के लिए क्या कर रखा है। तो कभी कभी होता है ना माँ बाप के मन में, इस बार लड़की होने से अच्छा, इस बार लड़का होने से अच्छा, और जब नहीं होता है ऐसा तो धन्यवाद देना है ब्रदर, लेकिन पूर्ण मन से नहीं, संपूर्ण मन से नहीं है। प्यार मित्र ऐसा नहीं, हमारा मन में जब धन्यवाद देते हैं, हमारा संपूर्ण मन से धन्यवाद है, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, पूरा होल हार्टेडली ना, पूरा मन से उसको धन्यवाद दे। और प्रभु का वचन कहता कि मैं पूर्ण मन से क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये धन्यवाद का बातें, जो बातें मैं, धन्यवाद का मतलब अगर इसको अच्छी तरह से समझा जाए, धन्यवाद का शब्द का जो अर्थ है अगर उसको लिया जाए, तो जो विश्वासी धन्यवाद देता है ना, वो हमेशा आनंदित, वो हमेशा क्या है, आनंदित है।
क्योंकि उसका जीवन में वो कभी भी दुखी नहीं है, क्योंकि जो विश्वासी जो भक्त लोग धन्यवाद देना जानता है वो हमेशा क्या है प्रभु में आनंदित है। वो आनंद का एक चिन्ह है, आनंद का एक चिन्ह है। धन्यवाद का मतलब वो धन्यवाद इसलिए देता है कि वो हर बातों में आनंदित है, खुश है। धन्यवाद तब नहीं दे सकता है जब वो दुखी है, जब दुखी होता है, जब निराश होता है, तब उसको मुंह से धन्यवाद शब्द नहीं निकलता। धन्यवाद वो दे सकता है कि वो हमेशा क्या है आनंद। ऐसा एक व्यक्ति को हम ढूंढता है बाइबल में, वो कौन है? पौलुस है ना। क्या होता है फिलिपी का 4:4 में क्या लिखा हुआ है? मैं सदा प्रभु में सदा क्या रहो होता है, सदा आनंदित होते हैं हम? नहीं नहीं, हमारा मन की इच्छा पूरा नहीं होता है। जब हमारा हमारा इच्छा के अनुसार काम नहीं बनता है तब हम आनंदित नहीं होता है। आनंदित जब नहीं होता है तो धन्यवाद भी नहीं, क्योंकि अगर हम आनंदित है तो हम धन्यवाद देंगे। आनंदित नहीं है इसलिए धन्यवाद नहीं देते। लेकिन जो सदा प्रभु में आनंदित है, ऑलवेज है ना, रिजॉइस ऑलवेज है ना, सदा प्रभु में आनंदित है, ओ हमेशा धन्यवाद दे, हमेशा धन्यवाद दे। ये विश्वासी का चिन्ह है कि वो हमेशा आनंदित है क्योंकि वो सदा धन्यवाद। एक दूसरा चिन्ह क्या है? धन्यवाद का मतलब है एक विश्वासी सब बातों में संतुष्ट है। सब बातों में क्या है? संतुष्ट है, उसको संतोष है। मतलब कोई भी चीज में उसको कोई मतलब ये नहीं था प्रभु ऐसा मुझे मेरे लिए क्यों नहीं किया, ऐसा होने से ऐसा था। एक वचन पढ़ेंगे उसी के संदर्भ में, मुझे बहुत अच्छा लगा वचन, फिलिपी का पत्री 4:11। फिलिपी का पत्री 4:11 पर, 4:11। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। आह क्या सुंदर पद है ये। पौलुस ने कहता है यह नहीं कि अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ क्योंकि मैंने ये सीखा है। बड़ा सुंदर एक पद है, मैंने जीना सीखा है। पौलुस कहता है कि मैं सीखा है, क्या सीखा है कि हर दशा में उसी में क्या रहूं मैं। एक विश्वासी जब हर समय हर बातों में धन्यवाद देता है उसका मतलब वो क्या दर्शाता है कि वो हर बातों में संतुष्ट है, हर बातों में जीना सीखा है ना। और पौलुस का जीवन तो बहुत, उसका लंबी चौड़ी बहुत ही शिक्षा की बात है, उनके जीवन से बहुत कुछ हम सीखते हैं। पौलुस दुख में भी खुशी था, जेल में भी खुशी था, जब उसको लोगों ने मारा उस समय भी खुशी था, भूखा था वो भी खुशी था, हर बातों में हर परिस्थिति में हर दशा में पौलुस क्या था? संतुष्ट, संतुष्टि का जीवन था। इसलिए पौलुस ने कहता है मेरा घटी कमी के कारण से मैं नहीं लिखता हूं, लेकिन मैं हर बातों में जीना सीख। यार मित्र, हम विश्वासी लोगों प्रभु यही सिखाता है कि हर बातों में हम जीना सीखे, है ना, है ना। हर बातों में चाहे दुख हो, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, चाहे प्रभु हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा होगा, शायद हमारा जवाब ठीक से नहीं मिल रहा होगा, शायद बहुत इंतजार करना पड़ा है, बात बहुत तकलीफ है, लेकिन हर बातों में हम क्या करना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए। हर बातों में प्रभु ने आपको मुझको जो कुछ भी दिया है उसमें क्या होना चाहिए? संतुष्ट। लेकिन इसराइल जाति लोग ऐसा नहीं था। इसराइल जाति लोग क्या था, वो क्या बोल रहा था? हमको याद आ रहा है मिस्र देश, इजिप्ट याद आ रहा है, क्या उधर का लस्सू, उधर का पिया, उधर का मछली, ओह बहुत फ्री में हम लोग को मिलता था, है ना। प्रभु ने उसको मन्ना खिला रहा है, प्रभु ने उसको मन्ना खिलाया, प्रभु ने उसको मीट खिलाया, प्रभु ने उसको क्या क्या आशीर्वाद दिया, लेकिन उसको संतोष नहीं है। इसराइल जाति लोग क्या नहीं है? संतोष नहीं। प्रभु ने वचन में एक जगह में लिखा, नहमे का पुस्तक में लिखा हुआ है कि प्रभु उनका कपड़ा को भी फटने नहीं दिया, 40 साल तक उनका कपड़ा को भी प्रभु ने संभाला, इतना तक उनका पैर में सूजन नहीं आया, इतना उनका पैर को भी प्रभु ने ख्याल किया, इतना इधर। लेकिन ओहो इसराइल, कुड़कुड़ाने वाला इसराइल, कभी भी धन्यवाद प्रभु को नहीं दिया, कभी भी सच्चे मन से प्रभु का प्रशंसा नहीं किया कि प्रभु आपने हमें इतना इतना आशीर्वाद दिया है, इतना हमारे जीवन में इतना आपने दया किया, इतना भलाई किया है। कभी भी धन्यवाद का मन से इसराइल धन्यवाद नहीं, हमेशा कुड़कुड़ाया, पानी नहीं कुकुड़ आया, खाना नहीं कुकुड़ आया, ऐसा मीट नहीं मिलता कुकुड़ आया। मिस्र से निकल गया लेकिन मिस्र फिर भी उसका मन में रहा, है ना। मिस्र से निकल गया लेकिन मिस्र उसका मन से नहीं निकला। प्यार मित्र बहुत बात है, हम संसार से निकल जाते हैं लेकिन संसार हमारा मन से नहीं निकलता। ओ पहले हम लोग कितना अच्छा चलते थे, कितना है ना। कभी कभी कुछ विश्वासी लोग कुछ कुछ बैकग्राउंड से आते हैं, दारू पीने वाला, पियक्कड़, जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला, ऐसा भी विश्वासी लोग आते हैं, है ना। उन लोग जब आते थे वही इन लोग बोलता है ये नहीं पियो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं। हम संसार में ठीक ही था, है ना, संसार में तो बहुत अच्छा जी रहा था, खा रहा था, पी रहा था, मस्ती कर रहा था, अभी तो क्या हो गया ना। देखिए संसार से निकला लेकिन संसार मन से नहीं। इसराइल जाति का भी वही हाल है,
मिस्र से निकला, लेकिन मिस्र उसका मंस नहीं। मिस्र में उसको मार खाना पड़ता था, पिटाई मिलता था, मिस्र में उसको खाना ठीक से नहीं मिलता था। कितना गुलामी में 430 साल गुलामी जिंदगी बिताया, लेकिन फिर भी प्रभु ने गुलामी से आजाद किया। प्रभु ने उनके लिए दसवां आश्चर्य कर्म किया। प्रभु ने तरह तरह के आशीर्वाद दिया। उस मरुभूमि के अंधकार का उस भयंकर रास्ते में उनको चलाया, उनको ऊंचाई में ले गया, उनको चट्टान से मधु पिलाया, लेकिन फिर भी हाय इसराइल धन्यवाद नहीं देता है, कुड़कुड़ाता है। प्रभु हमारे लिए क्या किया? प्यार मित्र, ये कुड़कुड़ाने वाला मन हमारे विश्वास, जो कुड़कुड़ाता है वो कभी धन्यवाद नहीं देता, वो हमेशा क्या है, कुड़कुड़ाने वाला। ये नहीं ठीक, वो नहीं अच्छा, प्रभु ने हमको ये नहीं दिया, प्रभु ने ऐसा नहीं किया, प्रभु ऐसा नहीं किया। प्यार मित्र, ऐसा नहीं, पौलुस के तरह हम जीना सके। पौलुस क्या बोलता है, हर बातों में संतुष्ट है ना। प्यार मित्र, आपके पास जो है उसी में खुशी रहे। आपके पास जो भी प्रभु दिया है, हमको जो दिया है उसी में खुशी रहे। ये नहीं कि मुझे ये मिलने से बहुत अच्छा था, प्रभु ऐसा देने से अच्छा था, नहीं, जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना सीखे। आप और मैं, हम सब लोग ऐसा किए, वही धन्यवाद है। बाइबल में लिखा है कि मुझे बताए, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। ये जिंदगी में जो संतोष सहित जिंदगी बिताता है वो हमेशा धन्यवाद है, वो कभी भी धन्यवाद देने के लिए कभी भी चुकेगा नहीं, वो कभी पीछे हटेगा नहीं, हमेशा उनका धन्यवाद का कटोरा उभर जाए, क्योंकि वो हर बातों में क्या है, संतुष्ट है। आप तीसरा बात, पहले बात बता कि पहला हमने देखा कि विश्वासी जब धन्यवाद देता है वो हमेशा आनंदित है। दूसरा बात हमने देखा, एक विश्वासी जब धन्यवाद देता है हर बातों में वो संतुष्ट है। एक विश्वासी जब धन्यवाद देता है, तीसरा बात, वो परिपक्व है। वो कैसे है, मैच्योर है। एक विश्वासी ही हर परिस्थिति में क्या दे सकता है, धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि वो इतना परिपक्व हो गया, वो इतना सिद्ध की ओर चला गया कि उसको कोई भी प्रभु में कोई बुराई नहीं लगता। प्रभु में जो कुछ प्रभु उनके लिए कर रहा है कोई भी बुराई नहीं था, वो सब अच्छा, सब अच्छा है। इसलिए हर बातों उसके लिए भला ही लग रहा है, क्योंकि वो जीना सीख गया है। वो परिपक्व एक विश्वासी, एक सिद्ध विश्वासी बन जाता है। जब धन्यवाद देते रहते हैं ना, हम एक सिद्ध विश्वासी की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, है ना। एक सिद्ध विश्वासी, एक परिपक्व विश्वासी। लेकिन कच्चा विश्वासी कैसा है? कच्चा मतलब हमारा भाषा में कच्चा, मतलब दुर्बल, निर्बल विश्वासी कौन है? उनको धन्यवाद का बात नहीं है, उनको क्या है, प्रभु से ये नहीं मिला, वो कंप्लेन, आरोप लगाता है। क्या लगाता है? आरोप। प्यार मित्र, आइए हम ऐसा आरोप ना, धन्यवाद हमारे जीवन में, धन्यवाद ही धन्यवाद। और हमने एपीसी का पत्री में शायद वो वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। एपीसी का पत्री पांच अध्याय चार, पांच का चार। और ना दत्ता, हाँ, और ना होता कि क्योंकि ये सोते वरन धन्यवाद ही, धन्यवाद ही सुना जाए। ये पवित्र लोग का योग्य है, ऐसे भी एक मतलब है, पवित्र लोग के योग्य क्या है, उसका मुंह से धन्यवाद ही सुना जाए। ये नहीं कि गंदी बातें, निंदा और अशुद्ध बातें में, इसमें ये नहीं होना चाहिए। हमारे मुंह से क्या सुनाई देना चाहिए, धन्यवाद ही सुनाई। यार मित्र, ये कितनी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग कुछ बहुत जगह में चुक जाते हैं। कितना निंदा, कितना गंदी गंदी बातें, कितने सारे बातें जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल बोल, लेकिन कभी भी हमारे मुंह से धन्यवाद ही सुन। ये पवित्र लोग का योग्य चाल चल, जो धन्यवाद ही उसका मुंह से सुना जाए। यार मित्र, इसलिए आइए हम लोग सब मिलकर एक धन्यवाद का कटोरा लेकर, अपने हृदय में धन्यवाद का जीवन लेकर, हम कंटिन्यू मतलब हमेशा धन्यवाद दे और प्रभु को धन्यवाद देकर प्रभु का महिमा करते हैं। जो वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले, कि जो धन्यवाद का बलि चढ़ाता है वो प्रभु का महिमा होता है। आइए, प्रभु को महिमा देना है तो जीवन से, हर चीजों में, हर समय, हर बातों में, सर्वदा हमारे मुंह से धन्यवाद ही। तो आइए, हमने देखा कि धन्यवाद जो चढ़ाता है वो हमेशा आनंदित है, वो विश्वासी। धन्यवाद जो चढ़ाता है वो हमेशा संतुष्ट है, और धन्यवाद जो चढ़ाता है वो एक परिपक्व है। यार मित्र, जो भी प्रभु हमको रखा है, मैंने एक विश्वासी भाई के बारे में सुने थे कि उसने तीन दिनों से खाना नहीं खाया, और उसका पड़ोसी को पता था कि वो तीन दिन से खाना भूखा है। उसका पड़ोसी उसको बुलाया, और उसको शायद उनको खाने के लिए कुछ देना चाहता है, पड़ोसी बुलाया, लेकिन पड़ोसी को बोला नहीं, पड़ोसी को पता चल गया, किसी की तरह से उसको मालूम हो गया कि भाई तीन दिन से खा, उसको बुलाए, बैठाया और एक गिलास पानी, और जब पानी दिया ना, और खड़े होकर पानी, तब ये पड़ोसी बोलता है, अरे आपको तो मुझे पता है कि आप तीन दिन से खाना नहीं मिला, एक गिलास पानी के लिए धन्यवाद, प्रभु ने ये भी तो दिया, एक गिलास पानी भी तो मिला। प्यारे मित्र, एक परिपक्व विश्वास, वो हर चीजों में धन्यवाद, वो भूखा में भी धन्यवाद दे, हर परिस्थिति में भी वो धन्यवाद। मैं आइए ये बात को हम सीखें, आज ये धन्यवाद का कार्यक्रम, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाई को प्रभु ने सूक्ष्म पुत्र संतान दिया है, प्रभु उसको और भी आगे बढ़ाएं, और प्रभु का बच्चे के बच्चे का उस बेटे के। आइए हम आज धन्यवाद, क्या हम
आज धन्यवाद की बात को जो सुना है इस संदेश को, क्या हमारे जीवन में ऐसा ही धन्यवाद है? क्या हम हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं? क्या पूर्ण मन से धन्यवाद देते हैं? क्या हर परिस्थिति में भी, या हम बुड़बुड़ाते? थोड़ा अपने आप को भी आइए, कितना भलाई प्रभु मुझसे किया है, कैसे मैं धन्य। अगर प्रभु का आत्मिक आशीष को भी हम अगर निहारे तो धन्यवाद देकर गिनकर अनगिनत धन्यवाद, अनगिनत आशीर्वाद है जो धन्यवाद देकर समाप्त। आइए उसी गीत का पहला गाना हम याद है, प्रभु कैसे वर्णन कर, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ, प्रभु आपने कैसे हमको संभाला, कैसे अगुवाई किया हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सब बातों में। प्रभु इस बच्चे इतना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य करूं।